एंटीलिया विस्फोटक मामला और मनसुख हिरेन हत्याकांड के बाद गिरफ्तार सचिन वाजे प्रकरण में मंत्री पद गंवा चुके अनिल देशमुख ने जांच एजेंसी एनआईए को दिए अपने जवाब में राज्य के मंत्री अनिल परब का नाम लिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अगला नंबर अब महाअघाड़ी के मंत्री अनिल परब का है। नारायण राणे ने तंज कसा कि अनिल परब एक सेवाभावी मंत्री हैं, वे कमीशन नहीं लेते बल्कि जो जमा करते हैं वे पूरा का पूरा जमा कर देते हैं, यही उनका काम है। परब ने सेवा और मेवा कैसे जमा किया और उसे कहां पहुंचाया, इसलिए उनकी सघन जांच होनी चाहिए। राणे ने कहा कि एनआईए 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद कई नामों का खुलासा होने वाला है।